फैमिली लेजे के सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज ब्लॉग में ही दूंगी तो एक मतलब वनीला केक बनाया था तो वही आपके साथ शेयर करूंगी। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या बुरे लगे। वैसे तो मैं मतलब प्रोफेशनली या फिर किसी भी एंगल से कुक नहीं लगता, कुकिंग मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन आज बहुत दिन नहीं बनाया, मैदा था तो ख़राब होंगे तो बना लेती हूँ सोचा था, तो वही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और फुल देखने की कोशिश की, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ट्राई करूँगी बताने की जितना हो सकता है, तो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वनीला केक बनाया था तो वही आपके कैसे बनाया दिखाने वाली हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितना स्पॉन्जी है और जालेदार भी है। आप लोग देखते रहिए बिना स्किप किए मैंने कढ़ाई में किस तरीके से बनाया है। मेरे पास ओवन नहीं है, मैंने कढ़ाई में नमक डाल के जो पहले भी यूज़ किया था केक बनाने में तो ढक के 10 मिनट के लिए रख दिया। और अभी मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस और बेकिंग सोडा, मिल्क रेडी किया है मैंने। अभी जार में मैंने पहले मिल्क लिया 1 कप, फिर 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया और 1/2 कप का चीनी लिया था, 2 अंडा लिया। और मेरे पास 1 टीस्पून वाला जो स्पून था एक ही निकाला था, बाकी सब अंदर ही है, तो इसलिए 1 स्पून पहले बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून उसी की मेजरमेंट से 1/2 स्पून बेकिंग सोडा निकाल के रख दिया था। लिक्विड डालने के बाद अच्छा नहीं होगा, तो इसी में से एक ही में फिर 1 टीस्पून मैंने फुल वाला वनीला का फ्लेवर डाला, वनीला एसेंस डाला। अब ऐसे से ग्राइंड करेंगे। बीटर नहीं है मेरे पास, आप लोग बीट है तो आप यूज़ कर सकते हो आराम से, इसमें भी अच्छे से बन जाता है। अच्छे से इसको ग्राइंड करने से सारा चीनी भी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, हाथ से ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मैंने एक बोल में रख दिया है सारा जो लिक्विड था। और अभी जिसमें मैं केक बनाऊंगी उसमें मैंने ऑयल ग्रीस करके रख दिया है, हाथ से किया, ज़्यादा सामान नहीं निकला, निकालूंगी तो धोना पड़ेगा। और मेरा जो बर्तन था केक जहाँ पे दूंगी वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, बड़ा ले सकते हो थोड़ा। फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को दे दिया है, सॉरी छान के अभी डालूंगी लिक्विड में, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा एक बार में नहीं डालिएगा। और उसको एक बात ध्यान से कि जिस साइड से आप लोग करोगी तो एक ही साइड से उसको मतलब मिक्स करना, दोनों साइड से करोगे तो एयर घुस जाएंगे तो फिर आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। मैं जितना हो सके सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा बर्तन वर्तन नहीं यूज़ करती हूँ, यूज़ करूँगी तो धोना भी तो पड़ेगा। तो एक साइड से हल्के हाथों से उसको बीट करने से हो जाएगा, ज़्यादा एक साथ अगर डालोगी तो अच्छा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बबल्स वगैरह घुस जाएंगे, एयर घुस जाएंगे। और फिर मैंने सारा बैटर केक बोल में डाल दिया जहाँ पे मुझे केक बनाना है और उसको अच्छे से टेप किया ताकि जितना भी अंदर एयर घुसा है सारा निकल जाए। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया, आपके मर्जी, क्योंकि मेरा बर्तन छोटा था केक वाला तो 50 या शायद 1 घंटा ही लगा। आप और थोड़ा सा बड़ा होता तो और टाइम लगता, कम टाइम लगता। मैंने एक बार टूथपिक यूज़ किया था तब थोड़ा नहीं हुआ था, अभी फिर से ट्राई चेक करी हो तो हुआ है, टूथपिक पूरा क्लीन आ गया है, तो अभी हो चुका है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।